नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि हमने मॉर्निंग में आपको नियमावली 2023 की एक वायरल क्लिप छोटी सी दिखाई थी और आप सभी को स्पष्ट रूप से ये बात बता दिया था कि हमारी नई नियमावली अब जल्द से जल्द जारी होने जा रही है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी अब लगातार शिक्षा मंत्री से और विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों से जाकर मिल रहे हैं, उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, उनसे वार्ता हो रही है और स्पष्ट रूप से अब ये कहा जा रहा है कि भाई हमारी जो नई नियमावली 2023 है वो अब जल्द ही पटरी पर आने वाली है और इसके तहत ही सातवें चरण की अब बहाली प्रक्रिया भी तेज़ गति से आगे बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि अब एक नया मोड़ भी सामने आ रहा है, सुपर टेट। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिख दिया है, सुपर टेट करवाने की बात जो है स्पष्ट रूप से कही जा रही है। तो अब देखिए, जिस प्रकार से ये मैंने आपको दिखाया था नई नियमावली का पूरा प्रस्तावना से लेकर और क्या क्या बातें थी नई नियमावली में माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए, तमाम बातें यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखी गई थी इसमें और मैंने आपको पूरा अपडेट यहाँ पे बताया। संक्षिप्त नाम विस्तार, यह नियमावली बिहार स्थानीय निकाय प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा सात नियमावली 2023 कही जाएगी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, न्यू नियमावली 2023 के बारे में बताया था आपको मैंने। और अब देखिए, एक नया मोड आ गया है सुपर टेट। तो सुपर टेट दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेट पड़ी है आज की ही। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट लेकर आते हैं दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से। दिनांक 20/2/2023 यहाँ पे डेट पड़ी है और जिन जिन शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को ये पत्र लिखा है, राहुल सिंह यहाँ पे दे सकते हैं, विकास सिंह, दिलीप झा यहाँ पे दे सकते हैं, अजय कुमार और यहाँ पे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने ये पत्र जो है लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं और मैं इसको पूरा दिखाऊंगा दोस्तों आपको, शुरू से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सेवा में BS-19 का सुपर टेट ऑफलाइन लेने के संबंध में माँ से सब निवेदन है कि हम सभी BS-19 पास अभ्यर्थी हैं जिसका रिजल्ट 22 मार्च 2021 में आया था, लेकिन विभाग ने 21 जून 2021 को फिर से रिजल्ट जारी करके मेरिट नॉट मेरिट में बाँट दिया, लेकिन 26 जून 2021 को अपने फैसले को संशोधित करते हुए सभी को आगामी बिहार शिक्षक बहाली सातवें चरण में बराबर मौका देने का आदेश हुआ है, लेकिन ये विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए श्रीमान, आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह राजस्थान उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के माध्यम से TET अंक का ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार दे सकते हैं। स्पष्ट रूप से मैं आपको दिखा दूं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET और CTET के आधार पर जो है अब चयन प्रक्रिया करने की बात कही जा रही है। यहाँ देखिए लिखा है कि TET अंक को ज़्यादा मत दिया जाता है, उसी तरह बिहार में सभी इसे भी अपनाया जाए, इसलिए महोदय आप BPSC के माध्यम से सुपर टेट का आयोजन ऑफलाइन तरीके से एग्ज़ाम लेकर ही सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया में शामिल करें, इसके आधार पर सभी के साथ न्याय होगा, सभी को बराबर मौका मिलेगा। तो शिक्षा मंत्री को यह पत्र जो है स्पष्ट लफ्जों में लिख दिया गया है और स्पष्ट रूप से ये बात जो है वो कह दी गई है। अतः श्रीमान से आग्रह है कि दयालुतापूर्वक विचार करते हुए सातवें चरण बहाली प्रक्रिया में पहले BS-19 का सुपर टेट का आयोजन किया जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, कहा गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा एकेडमिक को हटाकर शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2023 में ये बात रखी गई है कि नियमावली 2023 जो है उसमें सुपर टेट 2019 की परीक्षा का आयोजन होगा और शिक्षा मंत्री का लेटर जो है, ये शिक्षा मंत्री को लेटर जो है लिखा गया है और स्पष्ट रूप से भेज दिया गया है। शिक्षक अभ्यर्थी मिले हैं, मैं आपको उनका ऑडियो क्लिप भी दिखाऊँगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये तमाम अभ्यर्थी जो है शिक्षा मंत्री से जाके मिले हैं और स्पष्ट रूप से ये बात जो है वो रखी गई है। तो अब देखना होगा क्या कुछ होता है भाई, फिलहाल तो ये बात सामने उभर के आ रही है, तो स्पष्ट रूप से ये बात जो है वो कह दी गई है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों को शेयर कर दीजिए और पल पल के अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।